सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोग बताऊंगा कि फ्री फायर में आप लोग कुछ इस टाइप से ग्लो इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो, और वो भी अलर्ट मोशन एप्लीकेशन से। ठीक है, तो यार वीडियो के अंत तक आज का लेना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो यार चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको प्लस पर टैप कर लेना है और 16:9 रेशो ले लेता हूँ, क्योंकि इसी फॉर्मेट में जो है अपन का वीडियो है। अगर आपका वीडियो 9:16 फॉर्मेट में है तो आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 16:9 रेशो ले लेता हूँ एंड क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद प्लस पर टैप करता हूँ और मीडिया पे जाता हूँ एंड नाउ यहाँ पर अपन का जो वीडियो है उसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अपन का वीडियो है, यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, देख सकते हो। तो इसी में हम थोड़ा ग्लो इफेक्ट ऐड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। तो सबसे पहले इस लेयर पर क्लिक करना और इफेक्ट पाना है और ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, BRIG ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ऊपर पर मिल जाएगी। इस पर क्लिक करना स्टैंडर्ड सेटिंग, और ब्राइटनेस को आपको थोड़ा बहुत घटा लेना है, तो क्योंकि हम ग्लो इफेक्ट ज़्यादा करने वाला है तो ब्राइटनेस को थोड़ा बहुत घटाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर -20 कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप आते हैं कॉन्ट्रास्ट पे और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पर 80 तक। ठीक है, अब इसको बैक करता हूँ, फिर ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर हम ले लेंगे, सर्च करेंगे चैनल रिमेप CHANNEL चैनल रिमेप RGB। इस पर क्लिक करना और स्टैंडर्ड सेटिंग ना इसको ओपन करना, और यहाँ पर आपको बी वाले ग्रुप पर आना है और यहाँ पर आर कर देना। ठीक है, बी सेक्शन बनने के बाद आर कर देना है। तो देख सकते हो अभी भी थोड़ा पिंक टाइप का आ चुकी है ग्लो इफेक्ट, तो अभी और आने वाली है, तो देखते जाओ। इस पर बैक करना, इसको बैक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर आप लोग सर्च करना है एज ग्लो, EDGE एज ग्लो। इस पर क्लिक करना और स्टैंडर्ड सेटिंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करने वाले हैं। तो स्मूथिंग जो लिखा है इसको हम 10 करने वाले हैं। देखो 5 से हम एकदम 10 कर लेंगे, थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो 9 एंड 10, मतलब कि पूरा पूरा कर लेना है। इसके बाद थ्रेशोल्ड पे आना है, और थ्रेशोल्ड का आपको 1 कर लेना है। देखो यहाँ पर पूरा इसका बंद नीचे आना है, और यहाँ पर स्प्रेड जो लिखा है इस पर क्लिक करना और इसको 1.50 रहने देना। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 1.55 कर लेता हूँ। चलो ठीक है, इसके बाद कलर आप आना है। कलर पाने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कलर दिखाई देगा इस पर क्लिक करना, पिंक कलर ले लेना। पिंक कलर लेने के बाद आपको इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है गामा पे, और गामा का आपको 2 कर लेना है, 2.00। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पर 2.00 कर लेना है। सो मतलब कि 2000 मान लो यार। ठीक है, तो यहाँ पर 2.00। इसके बाद ब्राइटनेस पाना है, और ब्राइटनेस को आप लोग थोड़ा बहुत बढ़ा लेना। सो ब्राइटनेस का आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, लाइक 9 तक। ठीक है, इसके बाद आपको टिंट कलर पे आना है और इस पर टैप करना है, और इसको भी पिंक कलर कर लेना है। नाउ इसके बाद नीचे टिंट पे आना है, और इसको आपको 20 कर लेना है। ठीक है, +20 तक, लाइक ये अपन में 20 कर लेता हूँ। ठीक है, इतना तो हो चुकी है। अभी फिर इसको बैक करते हैं, फिर ऐड इफेक्ट पे आते हैं, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं लाइट ग्लो, LIGST। देखो लाइट ग्लो आ चुकी है, इस पर क्लिक करना। नाउ यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत फिर से एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर डिस्फ्यूज़न जो लिखा है इसको आपको 0.600 तक कर लेना है, लाइक यहाँ पर मैं 600 कर लेता हूँ। देखो तो 600-650 तक कर लेता है। ठीक है, लाइक इतना हो चुकी है। नाउ यहाँ पर थ्रेशोल्ड पे आना है, और थ्रेशोल्ड को 0.70 रहने देना है। फिर आपको आना है यहाँ पर इंटेंसिटी, इसको आप लोगों को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लेना है इंटेंसिटी को, लाइक इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना आपका वीडियो कैसा है उसके अकॉर्डिंग। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो कितना अमेजिंग ग्लो आ चुकी है। सो देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं लाइक 1.50 तक रख लेता हूँ। फिर कलर वाला ऑप्शन पाते हैं, इस पर टैप करते हैं, पिंक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हेलो पे आते हैं, और इसको हम 0.50 कर लेते हैं। ठीक है, 0.50। इसके बाद हम आते हैं अल्फ़ा पे, और इसको हम 1 कर लेते हैं पूरा, मतलब कि 100%। नाउ अब अपन का जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो गाइज देख सकते हो कितना अमेजिंग ग्लो ऐड हो चुकी है। सो गाइज आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना जो भी मैंने इफेक्ट बताया उसे यूज़ करके, और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार और वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर एडजस्ट वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी से बता दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, देख लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।